Good morning, my dear children. Welcome back to my class, children. How are you? I hope you all are fine. Okay, children. Children, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने English reader में अपना lesson number 5, bird watching complete कर लिया. उससे related सारी exercises हमने complete कर लिए हैं ना. तो आज से हम लोग अपना lesson number 6, the magic paint brush शुरू करने वाले हैं. ठीक है? तो डू वन थिंग चिल्ड्रन, ओपन योर रीडर, इंग्लिश रीडर, पेज नंबर 5555, द मैजिक पेंट ब्रश. ओके, लेसन नंबर 6, द मैजिक पेंट ब्रश. अब मैजिक का मतलब क्या है? मीन्स जादू, है ना. पेंट ब्रश, पेंट ब्रश मीन जिससे हम पेंट करते हैं. ठीक है, जादुई पेंट ब्रश के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट चिल्ड्रन? सब ने बुक तो निकाल ली होगी. चलिए, कीप योर फिंगर एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी. जैक वॉज अ स्मॉल बॉय हु लव टू ड्रॉ. अभी यहाँ पर एक लड़के के बारे में बोला जा रहा है. जैक, वो क्या है? एक छोटा बच्चा है जिसे क्या पसंद है? ड्रॉ करना पसंद है. बट ही वॉज टू पुअर टू बाय पेन्स, पेंसिल्स और कलर्स. बट वो इतना गरीब है कि वो पेन, पेंसिल और कलर्स नहीं खरीद सकता है. सो ही ड्रू पिक्चर्स इन द सैंड विद स्टोन्स और स्टिक्स और इवन विद हिज फिंगर्स. तो जो जैक है वो क्या करता है, जब उसके पास पैसे नहीं है पेन, पेंसिल और कलर खरीदने के लिए, तो वो क्या करता है? ज़मीन पर ही स्टोन्स, पत्थर से या स्टिक से, छोटी सी लकड़ी लेकर उससे पिक्चर ड्रॉ करता है ज़मीन पर. और कई बार तो अपनी फिंगर्स के साथ में भी वो ड्रॉ करता है. वंस जैक वॉज ड्राॅइंग अ पिक्चर. एक बार की बात है कि जैक क्या कर रहा था? पिक्चर ड्रॉ कर रहा था ग्राउंड पे. एन ओल्ड मैन सॉ हिम एंड आस्क्ड. एक बुज़ुर्ग आदमी, आपको पता ना ओल्ड मैन कौन होता है? हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, उनको हम ओल्ड मैन बोलते हैं, है ना. तो ऐसे ही एक बुज़ुर्ग आदमी थे, एक ओल्ड मैन थे, उन्होंने जैक से पूछा, वुड यू लाइक टू फिल कलर्स इन योर पिक्चर. क्या तुम अपनी पिक्चर्स में रंग भरना चाहोगे? I don't have the money to buy colors, Jack replied sadly. अभी जैक ने दुखी होकर क्या बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कलर्स खरीदने के लिए. Here's a brush for you. अभी वो जो ओल्ड मैन था उन्होंने क्या किया, एक क्या दिया, ब्रश दिया. किसको? जैक को. द ओल्ड मैन गेव हिम अ गोल्डन पेंट ब्रश. जैक वॉज डिलाइटेड. अब जो ओल्ड मैन था उसने जैक को क्या दिया, एक गोल्डन कलर का पेंट ब्रश दिया. और जैक क्या हो गया, हैप्पी हो गया. डिलाइटेड में हैप्पी होना, खुश होना. जैक बहुत खुश हो गया. थैंक यू, जैक ने क्या बोला, थैंक यू, धन्यवाद. ही सेड विद अ प्लीज्ड स्माइल. उसने एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ में उस ओल्ड मैन को थैंक यू बोला. नाउ आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स फॉर पीपल टू मेक देम हैप्पी. अभी जैक ने क्या बोला, अभी मैं लोगों को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकता हूँ. अभी टर्न द पेज एंड कम ऑन नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन. The very next day, Jack painted a duck using his new paint brush. अभी अगले दिन जैक ने क्या किया, एक डक को ड्रॉ किया. ठीक है, डक को ड्रॉ किया दूसरे दिन. As soon as he finished, the duck came to life. जैसे ही उसने डक को पेंट करना ख़त्म किया तो डक क्या हो गई, जिंदा हो गई. came to life means जिंदा हो गई. ठीक है, and flew off the paper and onto the pond. और पेपर से उड़ के कहाँ चली गई, पोंड क्या होता है, तालाब होता है. ठीक है, तालाब में चली गई, पेपर से उड़कर वो तालाब में चली गई. Wow, he said. जैक ने बोला, wow. This is a magic paint brush. ये क्या है, एक जादुई पेंट ब्रश है. Jack was a kind boy. Jack क्या था, एक बहुत अच्छा kind boy था. He began to paint pictures for the poor people in the village. उसने क्या शुरू कर दिया, गांव में जो गरीब लोग थे उनके लिए pictures draw करना शुरू कर दी. उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो pictures draw करने लगा. He painted a bullock for the poor farmer to
who was plowing the land himself. उसने क्या किया, एक किसान था, बुलॉक क्या होता है, बुलॉक कार्ट होती है ना, आपने बैलगाड़ी देखी होगी, उसने वो एक किसान के लिए बैल क्या कर दिया, ड्रॉ करके एक किसान को दिया ताकि वह अपनी खुद से खेती की, खेतों की क्या कर सके, जुताई कर सके, उसमें क्रॉप्स उगा सके. उसके लिए उसने एक बुलॉक ड्रॉ करके दिया. ड्रॉ करने से वो क्या हो गया, केम टू लाइफ हो गया, वो भी ज़िंदा हो गया. तो किसान को वो एक बुलॉक मिल गया अपने खेतों के जुताई करने के लिए. ही पेंटेड फूड फॉर द नीडी. फिर उसने गरीब लोगों के लिए क्या किया, खाना पेंट किया. एंड टॉयज़ फॉर द पुअर पीपल. और गरीब बच्चों के लिए खिलौने पेंट किए. द किंग हर्ड अबाउट द मैजिक पेंट ब्रश. अब जो राजा था वहाँ का, उसने इस मैजिक पेंट ब्रश के बारे में सुना. जब उसको पता चला, ही सेंड ए सोल्जर टू फाइंड जैक. उसने अपने सिपाहियों को भेजा जैक को ढूंढने के लिए. कम विद दस, सेड द सोल्जर. अभी जो सिपाही थे, सोल्जर थे, उन्होंने जैक को क्या बोला, कम विद दस, हमारे साथ आओ. द किंग वॉन्ट्स यू टू पेंट सम मनी फॉर हिम. जो राजा है वो चाहता है तुम उसके लिए थोड़ा पैसा ड्रॉ करो. बट ही इज़ ऑलरेडी रिच, सेड जैक. जैक ने बोला बट राजा तो ऑलरेडी बहुत अमीर है. आई ओनली पेंट टू हेल्प द पुअर पीपल. मैं खाली गरीबों की मदद करने के लिए पेंट करता हूँ. बट द नेस्टी सोल्जर took Jack to the king. वो जो nasty वो soldier थे, unkind और बहुत rude जो soldier थे, उन्होंने क्या किया, Jack को पकड़ कर कहाँ ले गए, राजा के पास. Paint me a sack of gold coins, the king shouted. King ने ज़ोर से चिल्लाकर Jack को बोला, मेरे लिए एक sack भरकर gold coins क्या करो, paint करो. Sack means एक bag होता है, एक थैला होता है, ठीक है, वो भरकर मेरे लिए gold coin पेंट करो. जैक सेड ब्रेवली. जैक ने बहादुरी से कहा, नो, नहीं, मैं नहीं करूँगा. द एंग्री किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू लॉक हिम अप इन द प्रिजन. अब जो नाराज़ होकर वो जो राजा था वो नाराज़ हो गया और उसने गुस्से में आकर अपने सिपाहियों से कहा कि इसको उठाकर कहाँ पर डाल दो, प्रिजन में, जेल में डाल दो. नाउ टर्न द पेज चिल्ड्रन. इनसाइड द प्रिजन सेल, जैक यूज्ड हिज पेंट ब्रश टू पेंट अ की फॉर द लॉक. अभी उसको जब जेल में डाल दिया तो जैक ने क्या किया, उसके पास पेंट ब्रश तो था, उसने अपने पेंट ब्रश से एक उस ताले की क्या की, चाबी ड्रॉ की. एंड अ हॉर्स ही कुड राइड अवे ऑन. और अपने लिए घोड़ा उसने ड्रॉ किया सो दैट उस पर बैठ कर वो वहाँ से चला जाए. वैन द सोल्जर बिगन टू चेज हिम. अब वो जो सिपाही थे, राजा के सिपाही, उसका पीछा करने लगे, उसके पकड़ने के लिए पीछा करने लगे. ही क्विकली पेंटेड अ होल ऑन द ग्राउंड. उसने जल्दी से क्या किया, जमीन पर एक बड़ा सा खड्डा बना दिया, बड़ा सा होल बना दिया. द सोल्जर फेल इनटू दिस होल. वो राजा के जो सिपाही थे वो कहाँ गिर गए, सब के सब उस होल में गिर गए, उस खड्डे में गिर गए. एंड जैक वॉज एबल टू एस्केप. और जैक वहाँ से बचकर निकल गया, वहाँ से भाग गया. तो आज का हमारा ये लेसन था द मैजिक पेंट ब्रश. इसको ट्वाइस आप रीड करेंगे सब बच्चे, ठीक है. आज आपका यही होमवर्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है, रीडिंग है, दो बार इसको रीड करिए, ओके बेटा. फॉर दिस